नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई चैनल पे। आज हम प्लेग्राउंड सेशन में देखेंगे कि डेटा को एक्सेल शीट या सीएसवी या टेक्स्ट फाइल से डेटाबेस में कैसे स्टोर किया जा सकता है, और इसके लिए हम स्प्रिंग बैच का उपयोग करेंगे। और इस वीडियो के लिए हमने spring.io के डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग किया है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे देंगे। इसी के साथ हम की मोमेंट्स भी प्रेषित करेंगे, तो आप सीधे स्किप करके की मोमेंट्स पे जाके अपनी प्रॉब्लम को वहाँ उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और ये हमारा लॉन्च पैड आ गया, जहाँ पे हम हर स्प्रिंग एप्लीकेशन को चालू करते हैं। तो इस बार हम ग्रेडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जावा 8 हमने लिया है, और इसके साथ डिपेंडेंसी में हम स्प्रिंग बैच ले रहे हैं। और स्प्रिंग बैच जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल जाएगी हमको स्प्रिंग बैच, और HSQLDB ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें इन मेमोरी डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो ओरेकल, MySQL और जो भी आपको अवेलेबल हो वो डेटाबेस भी आप ले सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है, और ये लिंक है जो हम फॉलो करने वाले हैं, जो कि spring.io का गेटिंग स्टार्टेड लिंक है। इसमें जो कोड दिया हुआ है वही हम आपके सामने आज प्रैक्टिकली उसको करके दिखाने वाले हैं कि वो कैसे काम करता है, क्या होता है, तो वही है। चलिए, तो ये डिपेंडेंसीज रहेगी, और अब हम इसको zip को डाउनलोड करके और IDE में इंपोर्ट करते हैं, अपने IntelliJ IDEA में इसको इंपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, ग्रेडल प्रोजेक्ट है, जावा है, और 2.4.5 में स्प्रिंग बूट वर्जन है, जार में पैकेजिंग रहेगी, और इसी के साथ हम न्यू इंपोर्ट कर रहे हैं, zip कर डाउनलोड कर लिया है zip को, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, और अभी हमने लेआउट को हाफ अपना रेफरेंस और हाफ अपना आईडी इस तरह से कर लिया है, लेफ्ट साइड में रेफरेंस मटेरियल है, राइट साइड में अपना आईडी है। और इस एग्जांपल के लिए हमने एक सोर्स फाइल भी बनाई है, source.csv, जिसमें कि हम मॉडल कंसीडर कर रहे हैं कि एक पर्सन मॉडल है जिसमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी स्किल्स आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको csv फाइल में स्टोर कर रहे हैं। CSV फाइल क्या होता है? तो और हाँ, ये जो जैसा इसमें बताया गया है कि एक इनने भी एक DDL फाइल लिखी है। DDL फाइल वो होती है जहाँ पे हम डेटा, DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो वो फाइल हम भी लिखेंगे जिसमें क्रिएट टेबल की कमांड रहती है, और जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो ये इनिशियली अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये इन मेमोरी DB है तो टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो वो उसको ड्रॉप टेबल और फिर क्रिएट टेबल हर बार करेगा। ठीक है, तो अभी हम वही यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो अभी हमने source.csv बनाया, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसमें हमने कुछ फेमस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ फेमस लोगों के नाम लिए, जैसे कि जोनाथन आइव है जो कि डिज़ाइन एक्सपर्ट है एप्पल के, स्टीव जॉब्स हैं जो विजनरी हैं, बिल गेट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस विंडोज़ के ओनर हैं, और इसी तरह से और भी आगे कई नाम हमने जोड़े हैं। इलॉन मस्क भी है वहाँ पे, जो कि आज के समय के विजनरी हैं। इसी तरह से ये फाइल अभी इसमें 5 रिकॉर्ड ही है, बट इस फाइल में हजारों रिकॉर्ड्स हो सकते थे। ठीक है, अभी हम ग्रेडल प्रोजेक्ट आपको बता रहे हैं, तो ग्रेडल प्रोजेक्ट में हमने ये डिपेंडेंसीज ऐड की है, बूट स्टार्टर बैच, और दूसरा है, पहला है बूट स्टार्टर बैच और दूसरी डिपेंडेंसी थी HSQLDB वाली। ठीक है, और तो अभी हम इसके लिए अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक मॉडल क्लास लिखने जाएंगे। तो मॉडल क्लास जैसा इसने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, जैसे पर्सन मॉडल क्लास है, तो हम भी यहाँ पे पर्सन मॉडल क्लास अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जावा क्लास बनाते हैं, जावा क्लास का नाम हम सिंपल पर्सन दे रहे हैं, और पर्सन दे रहे हैं तो जैसा इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनके साथ स्किल्स भी रहेगी, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल्स यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं।
और अपनी मॉडल क्लास को जनरेट करते हैं। और सभी हम स्किल सारी फील्ड सारे जो फील्ड्स हैं हमारे उनको हम स्ट्रिंग में ही रखेंगे। नॉर्मली यही उचित भी रहता है कि जो हमारी इनपुट फाइल है वो स्ट्रिंग्स में रहेगी, और अगर हमारी इनपुट आउटपुट फाइल अलग अलग होने वाली है तो हमको जो आउटपुट फाइल है उसमें हम वो डेटा वो टाइप्स ले सकते हैं जो हम डेटाबेस में जिन जिन जिस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अदरवाइज इनपुट फाइल में बेटर यही रहता है कि हम स्ट्रिंग ही लें। ठीक है, तो वही हमने किया और अभी गेटर सेटर जनरेट किया है। गेटर सेटर जनरेट करने की बजाय इस बार हम आपको लॉम्बॉक को भी ऐड करना बताएंगे, लॉम्बॉक को बाहर से। यानी कि हर बार आपको याद होगा लास्ट टाइम के सारे प्रोजेक्ट्स में हमने लॉम्बॉक जो है वो स्प्रिंग लॉन्च डॉट मतलब स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ जो पेज होता है वहीं से हमने उसको ऐड किया था। अब की बार हम आपको ग्रेडल में यहाँ बैकेंड में कैसे ऐड करना है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पर्सन क्लास हमने बनाई, अभी हम आगे बढ़ते हैं और पर्सन आइटम प्रोसेसर बनाते हैं। बेसिकली आइटम प्रोसेसर होता है जिसमें जो कि हमारे हर जो जहां पे एक्चुअल में हमारा प्रोसेसिंग होगा, बैच प्रोसेसिंग का काम होगा वो आइटम प्रोसेसर में होगा। वो एक्चुअल में सीएसवी फाइल को रीड करेगा और वहां से डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म करना मतलब परिवर्तित करना। अगर कुछ भी प्रोसेसिंग करना है तो वो हम इस प्रोसेसर जैसा नाम से ही पता चल रहा है वो हम इसी में करेंगे, आइटम प्रोसेसर में ही करेंगे। इसमें एक प्रोसेस मेथड रहता है, इसके लिए आइटम प्रोसेसर क्लास को हमको इंटरफेस को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसमें दो टाइप रहती है, दो जेनरिक टाइप्स हमको पास करनी पड़ती है, पहला इनपुट और दूसरा आउटपुट। तो अभी इस केस में हमारे पास एक ही है तो हम दोनों इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हमने पर्सन ऑब्जेक्ट ही दे दिया। तो अभी हम लॉम्बॉक को यहाँ ऐड करने वाले हैं और लॉम्बॉक जो है वो कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी है तो वो इस तरह से कंपाइल ऑप्शन के साथ हमको ऐड करना पड़ता है। वर्जन हम नहीं देंगे क्योंकि जो हमारा ऊपर ग्रेडल सिस्टम है वो वर्जन ऊपर की जो जो हमने डिफाइन किए टैग्स उनसे आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, अभी हम इसमें फील्ड्स ले लेते हैं ये पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए और इस आइटम से हम रीड करेंगे डेटा को। तो आइटम डॉट गेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक एक करके उनको हम वेरिएबल्स फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स यहाँ बना लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्किल्स, और उसमें यहाँ से डेटा लोड कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये प्रोसेसिंग जैसे यहाँ पे सिंपलेस्ट प्रोसेसिंग इन लोगों ने किया है, इनने क्या किया है कि जो भी डेटा सीएसवी से आ रहा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके शो कराओ। आप चाहें तो यहाँ पे ये टू अपर केस हटा भी सकते हैं और चाहें तो आप अपना जो भी प्रोसेसिंग आपको करनी है वो मेथड आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो अपना खुद का है, वो फ्रेमवर्क का नहीं है। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो और इसी के साथ हमने नो आर्क कंस्ट्रक्टर आर्क कंस्ट्रक्टर जो बनाया है उसका वो यहाँ उसमें ये डेटा पास कर देंगे और फाइनली हम उसको जस्ट लॉग करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लॉग करेंगे उसमें हम कन्वर्टिंग करके लिखेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि ये लॉग जो है ये यहाँ पे एक्चुअल में डेटा को रीड किया जाए, मतलब रीडर बीन से उठा के फाइल को रीड किया जा रहा है और आइटम प्रोसेसर के थ्रू उसको राइटर बीन के थ्रू जो टेम्प्रेरी फाइल है वहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा काम यहाँ पे होगा और इसी के साथ अल्टीमेटली हम उसको रिटर्न कर देंगे ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे बनाया है लाइन नंबर 14 में। और इसके साथ हमारा आइटम प्रोसेसर हो गया पूरा और
और आइटम प्रोसेसर के बाद ये क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड में ये कह रहा है कि हमको आइटम प्रोसेसर बनाना है, इसके साथ वही जो मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट अगर अलग अलग है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट जाएंगे, पर यहाँ पे सेम है तो इसीलिए इसने सेम पर्सन का ही यूज़ किया है, आई मीन सेम मॉडल का ही यूज़ किया है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन में हम इस आइटम प्रोसेसर को भी ऐड कर लेंगे, तो स्प्रिंग बैच हमको पूरा प्रोसेसिंग करके देगा। तो वो कैसे करके देगा वो हम ये बता रहे हैं। अभी हमने लॉम्बॉक डिपेंडेंसी ऐड किया था जैसा आपको पता होगा जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, तो अभी हम उसके लॉम्बॉक के एनोटेशन ऐड कर लेंगे और अपना कोड को थोड़ा रीडेबल बना लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमने ऐड डेटा यूज़ किया है, ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, नो आर्क कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, और इनके अलावा SLF4J जो यूज़ किया है ये भी लॉम्बॉक का ही एनोटेशन है। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं जब ठीक है, तो SLF4J जब यूज़ करते हैं तो सीधे सीधे हम log.info यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी log. जो भी लॉगिंग लेवल है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में जैसे ये बता रहा है कि हमको सबसे पहले एनोटेशन देना होगा, उसके साथ हमको दो पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे अपने कॉन्फिग क्लास में। चलिए लेफ्ट साइड में देख के अभी राइट में उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करते हैं। अभी हम क्लास बनाएंगे batch config.java, जो कि एक इसको हम एनोटेट करेंगे एट कॉन्फ़िगरेशन से, और दो एनोटेशन हमको देनी पड़ेगी, एट कॉन्फ़िगरेशन तो देना ही पड़ेगा और एट इनेबल बैच कॉन्फ़िगरेशन भी देना पड़ेगा, सॉरी बैच प्रोसेसिंग भी देना पड़ेगा। इनेबल बैच प्रोसेसिंग क्या करता है, इनेबल बैच प्रोसेसिंग स्प्रिंग बूट को गाइड करता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या जो ये जो फाइल है इसको इसके थ्रू आप इस प्रोजेक्ट में आप बैच प्रोसेसिंग स्प्रिंग बैच की जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो आप यहाँ पे ऐड करो, ऑटो कॉन्फ़िगर करो, और मतलब वो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे चालू करो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो वही काम आपका ऐड इनेबल बैच प्रोसेसिंग करके देता है। और अभी जैसा हमने आपको पहले बताया था जॉब बिल्डर फैक्ट्री स्टेप बिल्डर फैक्ट्री हमको लेना पड़ता है, ये दोनों स्प्रिंग बैच की ही क्लासेज है, और इनको हम ऑटो वायरिंग इस बार कंस्ट्रक्टर ये जो अभी किया है हमने आपके सामने ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑटो वायरिंग होता है, तो ऑटो वायर का जो एनोटेशन है वो हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर दिया है, और जब हम प्रॉपर्टी के ऊपर एट ऑटो वायर लिखते हैं तो वो होता है सेटर बेस्ड ऑटो वायरिंग, ठीक है। और जो मोस्ट रिकमेंडेड जो तरीका है ऑटो वायरिंग का वो ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड ही होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बीन्स ऐड कर लेते हैं अपने, तो अभी हमको क्या क्या बीन्स चाहिएंगे जैसा आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, पहले हमको एक रीडर चाहिएगा। आप कोई भी फाइल रीड करेंगे तो हमको क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा सबसे पहले ये सोचिए, सिंपली आपको एक फाइल है उसको पहले रीड करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसको राइट करना पड़ेगा कहीं पे किसी भी लोकेशन पे, या एक जनरल सिनेरियो समझ लीजिए राइट करना पड़ेगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आपको किसी जॉब में लिखना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा ऑटोमेटेड हो जाए, ठीक है। तो वही हम करने जा रहे हैं, और फिर फर्दर अगर आप चाहें तो उसको शेड्यूलर्स के थ्रू टाइम के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये चले। अभी हम करने जा रहे हैं फ्लैट फाइल आइटम रीडर लिख रहे हैं, रीडर में हम सिंपली एक नाम दे देते हैं इसको, तो हमने नाम में दे दिया पर्सन आइटम रीडर, और रिसोर्स में कहाँ से रीड करना है तो हमको क्लास पाथ से रीड करना है, क्योंकि आपको इनिशियली मैंने बताया था कि हमारा जो रिसोर्सेज फोल्डर है उसके अंदर से हम रीड करेंगे source.csv को, ठीक है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे क्लास पाथ रिसोर्स की जगह जो भी आपका आपका मतलब अगर आप सिस्टम बैच सिस्टम से ले रहे हैं यानी कि OS में कहाँ पे आपने स्टोर किया है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फाइल सिस्टम से भी दे सकते हैं, और जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो अभी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमें नेम्स में हम सिंपली उनका जो हम नेम देना चाहते हैं वो दे देते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्किल्स दिया हमने। फील्ड सेट मैपर, अब ये फील्ड सेट मैपर क्या करेगा, फील्ड सेट मैपर
पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से ये मैपिंग करेगा पर्सन ऑब्जेक्ट के जो फील्ड्स हैं उनके साथ, इसकी मैपिंग करेगा जो सीएसवी में जो फील्ड्स हैं उनकी मैपिंग करेगा। और अल्टीमेटली जो सेट टारगेट टाइप है उसमें हमने किसके साथ मैप करना है वो बता दिया हमने, पर्सन डॉट क्लास वहाँ पर डाल के ये बता दिया कि भैया पर्सन के जो अंदर फील्ड्स हैं उनके साथ आप इसकी सीएसवी की मैपिंग करो, ठीक है। और अभी जो दूसरा बीन हमने ऐड किया है वो हमारा जो पर्सन आइटम प्रोसेसर हमने अभी लिखा था वही हमने यहाँ पे ऐड बीन के थ्रू उसको स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में ऐड करवा दिया है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे JDBC आइटम राइटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था तीन चीज़ें हैं, रीड प्रोसेस राइट। तो यहाँ पे राइटर हम लिखने जा रहे हैं और राइटर के अंदर डेटा सोर्स, अब ये जो डेटा सोर्स है ये अपना बैच वाला डेटा सोर्स है और क्योंकि हमारे केस में HSQLDB है तो हमने इन मेमोरी डेटाबेस, तो वो इस डेटा सोर्स के थ्रू एक्सेस होगा और यहाँ पे हम उसको पास कर देंगे तो स्प्रिंग बैच हमारे लिए जो ये आइटम राइटर है इसका डेटा सोर्स हमको तैयार करके देगा। अगर आपके केस में ओरेकल है या फिर कोई दूसरा MySQL Oracle इस तरह का रिलेशनल डेटाबेसेस हैं तो उनके लिए आपको फिर कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी फाइल या YAML में उसका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अभी हम देखते हैं इसमें आगे ये जो बिल्ड और ये जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं कोडिंग का ये बिल्डर पैटर्न है। बिल्डर पैटर्न में क्या होता है कि जब तक अपन डॉट बिल्ड मेथड को कॉल नहीं करते तब तक हमारी एक्चुअल प्रोसेसिंग मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन चालू नहीं होता जब तक हम डॉट बिल्ड को कॉल नहीं करते, तो वही यहाँ पे होने वाला है। जैसा अगर आपने जावा 8 स्ट्रीम्स आपको पता होगा तो जावा 8 स्ट्रीम्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है और उसको लेजी इनिशियलाइजेशन या लेजी ऑब्जेक्ट क्रिएशन कह सकते हैं हम, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो बीन प्रॉपर्टी आइटम सीक्वल पैरामीटर सोर्स प्रोवाइडर ये हमको देना पड़ेगा यहाँ पे, और ये भी स्प्रिंग बैच का ही एक क्लास है और इसके अंदर हमको SQL क्वेरी इंसर्ट SQL की जो इंसर्ट क्वेरी है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी फील्ड नेम्स हैं वो हम देंगे, टेबल के जो फील्ड नेम्स हैं वो यहाँ पे देंगे और उसमें क्या इंसर्ट करना है तो वैल्यूज़ में हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो यहाँ आ रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे, कोलन के साथ पास करेंगे। तो अगर आपको पता होगा तो कोलन के साथ पास करने पे क्या होता है कि कोलन फर्स्ट नेम या कोलन लास्ट नेम जब हमने लिखा है इस कोलन के साथ क्या होता है कि सीक्वल इंजेक्शन एक तरह का अटैक होता है जो जिसको हम इसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, तो वो भी हमने इंसर्ट स्टेटमेंट्स अपने लिख दिए। अभी इसके बाद इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद डेटा सोर्स यहाँ ऐड करेगा, डॉट करके डेटा सोर्स लेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्ड करेंगे डॉट बिल्ड, और इसके साथ हमारा जो राइटर ऑब्जेक्ट है वो राइटर बीन है, वो राइटर बीन भी ऐड हो गया हमारे स्प्रिंग बैच कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी ये ऐड हो गया, रीडर हो गया, प्रोसेसर हो गया, सीएसपी है ये, आइटम रीडर हमने लिख लिया, प्रोसेस आइटम रीडर लिख लिया और राइटर भी लिख लिया है। अभी क्या बचा है, अभी हमारी दो चीज़ें और बची है जो हमने आगे लिखे थे, जॉब बिल्डर फैक्ट्री और स्टेप बिल्डर फैक्ट्री, तो ये भी हमको ऐड करने पड़ेंगे, वो भी करते हैं अभी। तो उनके भी बीन हमको यहाँ बना के डालने पड़ेंगे, तो रीडर राइटर प्रोसेसर बिल्डर जॉब बिल्डर और अपना स्टेप बिल्डर, ठीक है। तो वो करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या बोल रहा है ये, हाँ ये भी वही बात बता रहा है कि रीडर बनाना है, फिर प्रोसेसर मेथड रहेगा, वो प्रोसेसर मेथड काम का है तो वो यहाँ काम आएगा। इसी के साथ राइटर भी हमने बना दिया, ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे ऐड किए कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, बैच कॉन्फ़िग क्लास में सॉरी। और अब इसके बाद हम आपके जो बचे हुए दो बीन्स हैं वो भी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है।
तो मेनली वही है कि ये क्या कर रहा है, ये जो रीडर, ये जो राइटर है, ये एक एक सीएसवी के एक एक फील्ड पे जा रहा है और उसको उठा उठा के यहाँ पे अपना अपने जो डेटाबेस है उसमें इंसर्ट कर रहा है। जो इंसर्ट एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखी थी वो एक एक आइटम, एक एक रॉ के लिए चलेगी इंटरनली। स्प्रिंग बैच वो काम हमारे लिए करेगा, हमको नहीं करना है, हमने यहाँ कॉन्फिगर कर दिया और इतना काफी है। ठीक है, अभी हम जॉब जो हमने लिखा था उसको, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आई मीन बीन क्रिएट करेंगे और बीन को इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ जो ये है जॉब कंप्लीशन नोटिफिकेशन लिसनर, ये कंप्लीशन नोटिफिकेशन लिसनर जो है ये क्लास हम आगे जाके लिखेंगे। बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जॉब का जो कंप्लीशन लिसनर है ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि भैया जैसे ही मेरा जॉब पूरा हो गया तो मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक तो देना चाहिए। मतलब जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको कैसे पता चलेगा जॉब कंप्लीट हो गया, तो फीडबैक का काम ये जॉब लिसनर करेगा। और इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर यूज केस में हम क्या करेंगे, जितना डेटा हमने शो किया है मतलब इंसर्ट किया है उसी को हम यहाँ पे कंप्लीशन लिसनर में शो भी करवा देंगे वहीं का वहीं। ठीक है, तो ये क्लास अभी हमको बनानी पड़ेगी। जॉब कंप्लीशन एक्चुअली तो ये बीन हम फिर से बनाएंगे। इनिशियली लेफ्ट साइड में जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये स्प्रिंग में अवेलेबल, स्प्रिंग बैच की क्लास है जो हमको बनी बनाई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कस्टमाइजेबल क्लास है जो हमको बनानी पड़ेगी। तो वही अब हम करते हैं वापस से, पब्लिक जॉब, जॉब क्लास स्प्रिंग की है, स्प्रिंग बैच की है। ठीक है, इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट यूजर हमारे मेथड का नाम हो गया और इस मेथड के थ्रू हम एडमिन, इस पे एडमिन लगा के इसको बीन को इंजेक्ट, जॉब बीन को इंजेक्ट करेंगे। और जॉब कंप्लीशन लिसनर यहाँ पे हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। और इस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीशन लिसनर क्या बताएगा कि भाई जब मेरी जॉब पूरी हुई है तो मुझे क्या काम करना है, वो काम मैं वहाँ पे जॉब कंप्लीशन लिसनर में डाल सकता हूँ। वो वहाँ पे कौन, वो वहाँ पे वो कोड वहाँ पे लिखूंगा तो वो जब जॉब कंप्लीट होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ जॉब बिल्डर फैक्ट्री हम लिखने जा रहे हैं, तो हमने सिंपली नाम दे दिया उसका इंपोर्ट यूजर जॉब, और इंक्रीमेंटर लिखना पड़ेगा तो वो इंक्रीमेंटर भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है जो कि रन आईडी इंक्रीमेंटर है। लिसनर में हमने लिसनर ऐड कर दिया है पैरामीटर जो हमको मिल रहा है। फ्लो में हमने स्टेप का बीन हम ऐड करेंगे वो हमने यहाँ दे दिया है step 1 के नाम से। और डॉट एंड में ये जॉब कंप्लीट हुआ है तो उसका, उसको एंड करने जा रहे हैं। और डॉट बिल्ड में फाइनली ये बीन हमारा पूरा क्रिएट होके स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, बैच कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया है। अभी हम step 1 जो इसका था वो स्टेप बीन भी लिख लेंगे, step 1 मेथड लिख के, और उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और वो ऐड करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। ये जॉब, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, जॉब कंप्लीशन लिसनर क्लास हमको ऐड बनानी पड़ेगी नहीं, उससे पहले हम step 1 का जो काम है वो कर लेते हैं। step 1 मेथड जो यहाँ पे ऐड करना था वो कर लेते हैं। तो पब्लिक स्टेप, step 1 के नाम से हम इसको बना रहे हैं, और इसके लिए हमको जॉब बैच आइटम राइटर जो था वो हम यहाँ पास करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी में हम ऐड कर लेते हैं जो इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स है वो ऐड कर लेते हैं। और चंक में बताया गया कि बफर साइज कितनी लेनी है। बफर साइज मतलब जब रीड राइट करते हैं डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल पे तो हमको बताना पड़ता है कितने कितने साइज में हमको रखना है डेटा को, कैसे कितने कितनी साइज में, कितनी कितनी मेमोरी यूनिट्स के हिसाब से हमको उसको रीड करना है और राइट करना है। तो वो हमने यहाँ पे सिंपली एक 10 डिफॉल्ट है वो दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये सब डेटा के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डेटा है उस हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट हम 10 ही देते हैं। और अब हम जॉब कंप्लीशन नोटिफिकेशन लिसनर लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी एक कंपोनेंट क्लास रहेगी,
क्योंकि हमने वहाँ पे इसका यूज़ किया है दूसरे मतलब कॉन्फ़िग क्लास में, और ये एक्सटेंड करेगा एग्जीक्यूशन लिसनर को, जॉब एग्जीक्यूशन लिसनर को, लिसनर सपोर्ट क्लास को, जो कि क्या है, जो कि हमारी स्प्रिंग बैच के बैच लिप जो होती है वो हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो स्टार्टर बैच जो है उसके थ्रू हमको ये मिलता है, और अभी हम इसमें JDBC टेम्पलेट ऐड करते हैं, और इसका जो एक मेथड इसमें जॉब एग्जीक्यूशन लिसनर सपोर्ट है, इसके अंदर मेथड ओवरराइड करेंगे हम आफ्टर जॉब का, आफ्टर जॉब मेथड को ओवरराइड करेंगे। जॉब कंप्लीशन नोटिफिकेशन लिसनर क्लास लिसनर हम लिखने जा रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर में हम ऑटो वायरिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही हमने किया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटो वायरिंग की है। और अब हम इसका जो इसके जो हमारा जॉब एग्जीक्यूशन लिसनर सपोर्ट है, इसका आफ्टर जॉब मेथड है, उसको हम ओवरराइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ओवरराइड करने में हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं जब जॉब कंप्लीट हो जाए, तो हम चाहते हैं कि जॉब कंप्लीट होने पे एक फीडबैक के तौर पे हमको एक पहले तो ये पता चले कि कैसे जॉब कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए हमारा batch.batchstatus.completion ये सारे पैरामीटर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेटस गेट किया, जॉब एग्जीक्यूशन का जो स्टेटस है वो हमको मिल गया, और वहाँ पे हमने बोल दिया बैच स्टेटस डॉट कम्प्लीटेड। तो जैसे ही कम्प्लीटेड स्टेटस मिलेगा, वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे हमको पर्सन ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस से आ रहा है उसको लेके यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और तो यहाँ पे हम जॉब फिनिश्ड का एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, और JDBC टेम्पलेट के थ्रू जो क्वेरी है वो यहाँ पे लिख देते हैं, JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी। क्वेरी में क्या होगा, क्वेरी में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्किल्स यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम में जैसा आपको पता है कि ये तो एक सिंपल सी सेलेक्ट क्वेरी है, तो वो आप देख सकते हैं, और वहाँ पे रिजल्ट सेट और रॉ को इस तरह से हम लैम्डा के थ्रू ले सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, और रिजल्ट सेट को हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं आपको, पर्सन ऑब्जेक्ट में पास भी कर रहे हैं, ताकि हमारा एक पर्सन ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली हमको बन के मिल जाएगा, जिसमें कि रिजल्ट सेट में जो वैल्यूज आ रही है वो वहाँ पे शो, पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम उसका जो ऑल आर कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। और वो यहाँ पे तीनों फील्ड्स ऐड करना चाहिए, एक फील्ड हमको और ऐड करना चाहिए, तो वो भी हम ऐड करते हैं स्किल्स के लिए, हमारे केस में स्किल्स भी एक एक्स्ट्रा कॉलम है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, तो अभी करते हैं उसको भी। और ये जो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट हमारे पास क्या दे रहा है, एक पूरा का पूरा रिजल्ट सेट दे रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। क्वेरी है तो मल्टीपल रॉज है, तो वो उसको एक्सेस करने के लिए डॉट फॉर इच का हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट फॉर इच यूज़ किया, और उसमें हम एक एक हमको एक एक पर्सन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर उसको हम इन्फो में लॉग्ड और इन्फो करके उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं पर्सन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये लॉग में हमको इस तरह से पता चल जाएगा। ये सब हम कब कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं आफ्टर जॉब में, यानी कि जॉब कंप्लीशन जो लिसनर है जब वो एग्जीक्यूट होगा तो हमारी आफ्टर जॉब रन करेगी, और आफ्टर जॉब रन करने पे हमको जो भी सारा डेटा है वो लॉग्स में दिख जाएगा। तो अभी हम चेंजेस करेंगे अपने एप्लीकेशन डॉट जावा में इस प्रोग्राम को रनेबल बनाने के लिए। अभी रनेबल का मतलब क्या होगा, रनेबल का मतलब है ये है कि जब हमारा सर्वर रन करेगा उसी टाइम पे ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आप चाहें तो इसको रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू भी रेस्ट टेम्पलेट भी बना सकते हैं, और अगर रेस्ट टेम्पलेट होगा तो हमको कंट्रोलर से इसका जो कंट्रोलर से जो जॉब है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसको सिंपल जैसा यहाँ पे शो किया डेमो के लिए वही हम यहाँ पे भी
राइट साइड में भी करने जा रहे हैं। तो सिस्टम डॉट एग्जिट में हमने अपना स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन जो मेथड था उसको रैप कर दिया है, रैप अराउंड कर दिया है, ठीक है। तो स्प्रिंग डॉट एग्जिट, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, और इसके अंदर हम हमारा जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है ये जो नीचे की लाइन है ये पूरी उसके अंदर जाएगी, तो वही हम करने जा रहे हैं। लाइन नंबर 13 को ओके, तो ये इस तरह से हमारा कोड रेडी हो जाएगा। और इसको देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या, हाँ ठीक है, अभी अभी ये सब सही लग रहा है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या कि सब कुछ ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम अभी लेफ्ट से वेरीफाई कर रहे हैं कि इसी तरह से लिखा है ना, हाँ सेम ही लिखा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट में वेरीफाई कर लेते हैं, और कुछ करना है क्या, ये सब करना होगा। और इस ये ग्रेडल प्रोजेक्ट है तो हम अभी इसको ग्रेडल के थ्रू रन करने की कोशिश करेंगे। ग्रेडल में कैसे रन करते हैं कोड को वो अभी आपको बताते हैं। तो ये जो छोटा सा प्यारा सा हाथी का आइकन आपके लेफ्ट साइड में बना हुआ है, लेफ्ट राइट पैन में सॉरी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हाथी के आइकन को क्लिक करेंगे, ये ग्रेडल का हाथी है। तो ग्रेडल और बूट रन करेंगे, कमांड है ग्रेडल स्पेस बूट रन। अब ग्रेडल बूट रन क्या करता है, पहले बिल्ड करता है, बिल्ड करने के बाद अपना जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसको अप करने की कोशिश करता है। यानी कि बेसिकली जो हम यहाँ पे क्लिक करके करते थे पहले वही काम अभी ओके, कुछ तो फटा है अभी, क्या फटा है ओके, एक इशू आया है और इशू ये बोल रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन ऑब्जेक्ट में इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं मिल रहे हैं ओके। कंपाइलेशन में एरर, मतलब आईडी जो इंटेलिजेंटली आईडी जो शो करता है इंटेलिजेंट आईडिया उसमें कोई एरर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर ईच ये भी ठीक है कि यहीं पे लाल निशान आ जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती किसी भी लाइन में तो वो वहीं पे रेड मार्क हमको दिखा देता है कि ये लाइन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। तो कई बार इस तरह का ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं, तो इसके लिए पेशेंसली आपको चेक करना पड़ेगा, अपनी कोड को देखना पड़ेगा पहले तो कहाँ पे इशू आया है, वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी जैसे हमको पता है कि ये फील्ड्स हैं तो हमने उसकी एस्कीमा, जो एस्कीमा डॉट सीक्वल है उसको भी हमने चेक किया है कि भाई क्रिएट टेबल में हम क्या क्या फील्ड नाम दे रहे हैं, फील्ड के नाम क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या फील्ड नेम दे रहे हैं, तो ये भी हमने वेरीफाई किया है। और इसी के साथ सब जगह स्किल्स है तो क्रिएट में भी हमने स्किल दे दिया, हालांकि उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर देखते हैं एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं जो चेंज किया उसके बाद क्या होता है। अभी भी वो इशू एज इट इज़ आ ही रहा है, गया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इशू आया और ये इशू हमको 8 जगह आया है। टोटल मिला के हम ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लॉम्बॉक है ये शायद लॉम्बॉक का इशू हो सकता है कि जो लॉम्बॉक के अनोटेशंस हैं वो शायद काम नहीं कर पा रहे हैं। तभी देखते हैं क्या करना है। हमने क्या किया, उसको एक पुराने प्रोजेक्ट को रेफर किया है, पुराने ग्रेडल प्रोजेक्ट को, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो कंपाइल ओनली और एनोटेशन प्रोसेसर इस तरह से हमको ऐड करना पड़ता है। तो ये हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ कंपाइल लिखा था, तो कंपाइल की जगह कंपाइल ओनली और एनोटेशन प्रोसेसर इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। वो जब इनेबल किया तो अभी आप देखेंगे तो अब हमको वो इशू नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था, अभी हमको आ रहा है स्टेप का इशू ओके, जो स्टेप बीन है वो इसको नहीं मिला है जो कि हमारा जॉब में हम पास कर रहे थे ओके
ओके तो यहाँ पे हमने ये मिस कर दिया था, लाइन नंबर 70 भी हमको ऐड बीन एनोटेशन ऐड करना था जो हमने मतलब कोड करते टाइम मिस कर दिया था। ठीक है, अभी हमने उसको ऐड किया है। अभी आप देख सकते हैं हमारा सर्वर चालू हो गया है और सारी फाइल्स हम यहाँ पे देख मतलब सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी हैं, स्टीव जॉब्स भी हैं, जॉन आइव भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे डेटाबेस में जाके बैठ चुके हैं। और आप देखेंगे फर्स्ट जो रॉ थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्किल्स वाली, वो रॉ भी यहाँ पे आ चुकी है और डेटा की तरह से आ चुकी है। तो हमको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो रॉ ना आए तो अपने सोर्स डॉट सी एस वी में से आपको फर्स्ट रॉ हटा लेने की है, लाइन नंबर 1 को आपको रिमूव करना है, और फिर अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे तो प्रॉपरली ये शो कर देगा। ठीक है, और दोनों लॉग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आफ्टर जॉब भी हो रहा है और आइटम प्रोसेसर के टाइम पे जो लॉग था वो भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ और अभी हम आपको हमारी जो सोर्स डॉट सी एस वी फाइल है उसको भी एक बार आपको एक्सेल शीट में खोल के बता देते हैं। ओके, ये हमने एप्पल का जो नंबर्स सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल का इक्विवेलेंट है उसमें हमने इसको खोला है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये टेबल टेबुलर फॉर्म में डेटा हमको वहाँ पे शो हो रहा था, उसी को हमने सी एस वी में लिया और उसको यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे इंसर्ट करवाया डेटाबेस में। और तो आज का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रयास को संबल देने के लिए हमें अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें और इसी के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन के हर पल का संपूर्ण आनंद लें, इसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत। और वंदे मातरम।